दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 का आज का वीकेंड का वार एपिसोड इस सीजन का सबसे शानदार वीकेंड का वार एपिसोड होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस हफ्ते जहां घर के सभी कंटेस्टेंट ने एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसी ऐसी गलतियां की है जिसके ऊपर सलमान खान घर वालों की जमकर फटकार लगाते हुए तो दिखाई देंगे ही देंगे। इसके अलावा दोस्तों घर वालों के बीच में कुछ ऐसे टास्क होंगे जिस टास्क के दौरान भी घर के सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ बुरी तरीके से झगड़ते हुए दिखाई देंगे। और इन्हीं में से दोस्तों करण कुंद्रा और प्रतीक सेजपाल के बीच में एक बार फिर से हमें काफी बड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। और इस दौरान करण कुंद्रा प्रतीक सेजपाल को लेकर कुछ ऐसी बातें नेशनल टीवी पर कह देंगे जो कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां तक कि दोस्तों आपको बता दें कि करण कुंद्रा साफ तौर पर प्रतीक के लिए कह देंगे कि मैं जिंदगी में कभी भी अपने आप को प्रतीक सेजपाल का मेंटर नहीं मानता हूं। दरअसल दोस्तों प्रतीक और करण के बीच में जो दूरियां हैं वो बिग बॉस की शुरुआत से ही चली आ रही है और अक्सर हर टास्क के दौरान दोनों कंटेस्टेंट आपस में झगड़ बैठते हैं। और आज होने वाले वीकेंड के वाले एपिसोड के दौरान टास्क के दौरान भी एक टास्क होगा जिसमें कि घर वालों को एक दूसरे को पानी पूरी बनाकर खिलानी होगी। और इस दौरान जो मसालों के नाम होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे जैसे कि कोई बदबूदार, कड़वा या सड़न वाला, इस तरीके के मसाले होंगे। और ये सारे मसाले मिक्स करके जो पानी पूरी प्रतीक सेजपाल बनाएंगे वो वाकई काफी कड़वी होगी और ये कड़वी पानी पूरी वो सीधे करण कुंद्रा को खिलाना चाहेंगे, जिसके दौरान दोस्तों करण को प्रतीक पर काफी गुस्सा आएगा। हालांकि प्रतीक को उस समय तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेशनल टीवी पर प्रतीक सेजपाल के बारे में ऐसी बात बोल देंगे जिसे सुनने के बाद आप भी काफी हैरान रह जाएंगे। फिलहाल दोस्तों आप बिग बॉस सीजन 15 का अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बिग बॉस से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।